मेरे नूरे रत्न, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को अपने बचपन की एक सखी, अपनी सहपाठी अर्चना चावला की एक कहानी सुनाने आ रही हूँ। इनकी मम्मी हमारी टीचर थी, SUPW पढ़ाती थी, बाद में हिस्ट्री भी पढ़ाने लगी, बहुत ही प्यारी मैडम थी। तो इन्होंने लिखा, कहानी भेजी कि मेरी जॉन दो भाई थे। 24 दिसंबर का दिन था, मेरी बड़ी उदास थी, रात के 9 बज रहे थे, सोची थी अभी तक मेरे भैया नहीं आए। शुरू से ही दोनों बहन भाई मिलकर के 25 दिसंबर का त्यौहार क्रिसमस डे मनाते थे। हमेशा मेरी का भैया जॉन क्रिसमस पर उसको अपनी बहन को 23 दिसंबर को ही 2-3 दिन पहले ही ले आता था। अब उसका भाई आया नहीं, बड़ी दुखी मायूस थी। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी ने जाने क्या हो गया, इस बार मेरा भाई नहीं आया, वो तो हर क्रिसमस पे मुझे लेने आता था। आज बताओ 24 दिसंबर हो गई और मेरे भैया तो आए भी नहीं मुझे लेने के लिए। माँ ने कहा कि अरे बेटी, हर बार तो आता है, एक बार नहीं आया होगा, हो सकता समय नहीं मिला होगा। तो उनकी पड़ोसन जो थी उषा विरमानी, वो भी वहाँ पे आके बैठी हुई थी, वो बोली, बेटी इस बार तुम क्यों खुद क्यों नहीं चली आती हो, इस बार खुद जाके देख लो, हो सकता है तुम्हारे भैया को समय ना मिल पाया हो। मैरी ने बड़ी आशा भरी निगाहों से अपनी सास की तरफ देखा। सास बोली, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात, आंटी सही कह रही हैं, इस बार तुम चली आओ। माँ से आज्ञा मिलने भर की देर थी, बस मैरी तो पहुँच गई अपने हस्बैंड के पास, बोली प्लीज मुझे लेके चलो ना। बड़ी खुशी खुशी वो तैयार हो गए और मैरी को लेकर के चले गए उसके मायके। जब मायके पहुँचे, मैरी देखा बड़ा परिवर्तन है। जहाँ पहले उसको देखते ही उसके मम्मी पापा दौड़ के आते, उसको गले से लगा लेते थे, भाभी भी आती खूब चूमना शुरू कर देती थी, बहुत प्यार करती। देखा माँ बाप खुश हुए, लेकिन वो बात नहीं थी, भाभी भी बस देखकर मुस्कुरा दी। खैर मैरी रुकी, अगले दिन क्रिसमस था, क्रिसमस मनाया और जो मैरी के हस्बैंड थे उसको छोड़ करके वापस चले। बोले भाई देखो मेरे पास बहुत काम है, घर पर मेरी भी माँ अकेली है, मुझे भी घर को सजाना है, लाइट वगैरह लेके आनी है, स्टार लेके आना है और चर्च जाना है, तो मैं जाता हूँ, मैं तो केवल मैरी को छोड़ने के लिए आया था। वो चले गए और अब मैरी सोचने लगी कि आखिर क्या बात है, ये घर में माहौल बदला बदला क्यों है, वो खुशी नज़र नहीं आ रही। अगले दिन मैरी अपनी माँ के पास जाके बैठी, बोली माँ क्या बात है। माँ ने बातों बातों में कह दिया कि बेटी जब से ये कोरोना वायरस आया, तेरे भैया का सारा काम ही छूट गया है, इनका बिजनेस ठप पड़ गया है और घर में वो पहले वाली बात नहीं रही। अब उसको समझ, अच्छा ये बात है, उधर तेरे भतीजे की भी फीस नहीं जमा हो पाई है स्कूल में, पूरी एक साल की फीस पड़ी है, उसकी पढ़ाई बंद हो गई है। तो उसे ध्यान आया कि अरे शादी से पहले मैं नौकरी करती थी और मैंने न जाने कितनी बार अपनी माँ से कहा था, माँ ये पैसे ले लो, रख लो घर के काम के लिए। बोली ना ना तू रख, तेरे मुसीबत के समय में काम आएंगे, वो सारी की सारी साल भर की तो बैंक में ही पड़ी है, लो शादी हो गई, ना मुझे याद रहा ना माँ बाप को। अब उसकी समझ में आया, वो जब सुबह उठी किसी काम से तो उसने अपनी भाभी को भैया से कहते सुना, सुनो मेरी दीदी आई हैं और क्रिसमस पे आई हैं, इनको कुछ लेके नहीं दोगे क्या। भैया बोला, यही तो समझ में नहीं आ रहा, मैरी को क्या दूँ, अरे यहाँ अपना ही यहाँ तंग है, कुछ है नहीं, देखो बच्चे की फीस तक नहीं जमा कर पा रहा हूँ, राशन पानी मुश्किल से जुटा पाता हूँ, क्या दूँ इसको, कुछ समझ में नहीं आता। भाभी बोली, लो ये जो मैंने सोने की चूड़ियाँ पहन रखी हैं ये काफ़ी पुरानी हो गई हैं, मेरा भी मन भर गया है, ऐसा करो इसको बेच दो और बेच कर
राशन पानी से ले आना, उसके अलावा बच्चे की भी फीस जमा कर देना, और हम मेरी दीदी को भी कुछ ना कुछ दे देंगे। उसने सुना, उसको बहुत दुख हुआ। बोली, नहीं नहीं भाभी, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। जाके पहुंच गई वहां पर, भैया भाई बीच में, ना बिल्कुल नहीं, सब ऊपर वाला करेगा। और अगले दिन वो जब सोकर उठी, बिल्कुल नहाई धोई तैयार हुई, अपने भतीजों के साथ में लिया, बोली चल मेरे साथ चलते घूमने। सीधा गई बैंक, बैंक जाकर उसने अपनी पूरी सैलरी निकाली, अपना पूरा पैसा निकाला। भतीजे को लेकर स्कूल गई, पूरे साल की फीस उसने जमा कर दी, और रिक्शे पे राशन पानी सब भरवा करके लदवा कर लेकर घर आ गई। और बोली कि माँ आओ, अब तो उसकी भाभी और माँ एकदम, ये तूने क्या किया? बोली, क्या बेटियाँ सिर्फ मायके में लेने के लिए आती हैं, जो मेरी शादी से पहले की सैलरी थी वो मैं निकाल कर उससे सामान ले आई हूँ, इसमें मेरी ससुराल का कुछ नहीं है, और मैंने अपने पैसे से इसकी फीस भी जमा कर दी है, अब किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं। उसकी भाभी मारे प्रेम की रोने लग गई, बोली अरे इसकी क्या जरूरत थी? मैरी बोली, भाभी बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने। भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने आती हैं, बड़े होते हुए भतीजे भतीजियों की नज़र उतारने आती हैं, जितनी बार वो मायके की दहलीज पार करती हैं ईश्वर से उसकी सलामती की दुआ करने मांगती हैं। मायके की खुशहाली देखकर उनके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, जिससे ससुराल में आने वाली मुसीबतों का वो डट कर सामना करवाती हैं। बेटियों का मायके से तो एक अटूट रिश्ता होता है। मेरी प्यारी भाभी, बेटियां हमेशा मायके में कुछ लेने नहीं आती हैं। अब तो भाभी को रोने दो कि मेरी नंद कितनी अच्छी, कितनी समझदार, उन्होंने इसको प्यार से अपने गले से लिपटा लिया। अगले दिन जब वो अपनी ससुराल जाने लगी, तो उसके भैया आए, उसको 100 रुपये देने लगे। बोली, ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। कारे पगली, ये तो शगुन है, इतना तो बनता ही है ना, इस लायक तो मैं हूँ ही। और ज़बरदस्ती उसके हाथ में 100 का नोट रख करके उसकी मुट्ठी को बंद कर दिया और कहा, विश यू हैप्पी क्रिसमस, मेरी मेरी क्रिसमस, इस क्रिसमस त्यौहार की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो मेरे साथियों, मेरे लाडलो, मेरे नूरी रत्न, आपको अर्चना चावला मैडम की कहानी कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और सबको भाई